तो कोरोना से लड़ने के लिए बिहार सरकार कितनी तैयार है और पटना, राजधानी पटना में अस्पतालों में कितनी तैयारियां हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में, ये हम आज जानने के लिए निकले हैं। और अभी फिलहाल हम पहुंचे हैं गर्दनी बाग अस्पताल में। सुबह के 9 बजे के आसपास का समय हुआ है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर्स कितने तैनात हैं और क्या कुछ यहाँ पर तैयारी है। गार्ड जी, अभी समय कितना हो रहा है? 8:34 हो रहा है, 54। 8:54 हो रहा है। तो अस्पताल कितने बजे खुल जाता है? ये 8:30 में। 8:30 खुल जाता है। तमाम डॉक्टर्स आ गए हैं? नहीं, कुछ बाकी हैं। कुछ बाकी। यहाँ पे कोई मास्क वितरण हो रहा है क्या आपके नज़र में? नहीं, यहाँ तो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अभी कोरोना का डर तो है ना आपको? हाँ, मास्क, कोरोना का तो डर हर किसी को है। तो मास्क नहीं लगाए हैं? नहीं, मास्क अभी नहीं लगाए। तो बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, लेकिन क्या किया जाए। तो चलिए, शुरुआत हमने कर दिया। गार्ड साहब यहाँ रोज हजारों मरीज आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन इनके पास मास्क नहीं, क्योंकि इन्हें मास्क नहीं मिला। चलिए अस्पताल में चलते हैं। काउंटर्स पे लोग यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आसपास कोई भी सहायता केंद्र उस तरीके से हमें नहीं दिखाई दे रही है कोरोना वायरस से लड़ने के उपाय और यहाँ पे जो है जागरूकता करने के लिए। तो नहीं तो कहीं मास्क नज़र आ रहे हैं, नहीं उस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। खैर, फिलहाल हम अस्पताल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ की गई हैं। तो लोग यहाँ पर हैं पहुँचे हुए। आप लोगों को ऐसा मास्क उस्क दिया जा रहा है यहाँ पे कहीं पे कुछ? अभी पता है ना कि कोरोना वायरस वाला? हाँ, पता तो है। यहाँ कहे के लिए हैं अभी आप? आए हैं मैडम से दिखाने के लिए। लेकिन भीड़ भाड़ वाला जगह है, यहाँ पे कुछ मास्क उसके लिए आपको नहीं? नहीं, तकलीफ नहीं है सर। अभी लगता तरह का मास्क उस दिया जा रहा है? हैं, मास्क किस तरह का तो मिलेगा तब तो, कहाँ मिल रहा है हम लोग को तो पते नहीं है। भैया इधर आइएगा जरा। अभी स्थिति आप जान रहे हैं किस तरीके की है। तमाम अस्पतालों में बोला गया कि मास्क दिया जाएगा, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा फिलहाल, किसी भी तरह की नज़र नहीं आ रही है। अभी जिस तरीके से अभी देश में माहौल बना हुआ है इस बीमारी को लेकर, उतना अलर्ट नहीं दिखा जा रहा है। हर जगह कचरा और साफ सफाई की भी कमी दिख रही है यहाँ पर, जबकि सभी सार्वजनिक कार्यालय सामने है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो जन औषधालय वाला केंद्र में जो सरकार बना रखी है उसका भी सुविधा यहाँ पर नहीं दिया गया। जो वहाँ पर आप क्लिनिक देखेगा जन औषधि केंद्र का, वो हमेशा बंद ही रहता है। यहाँ पर अभी भी नहीं खुला हुआ? जी नहीं। डॉक्टर साहब की नहीं अभी बातचीत हुई है? नहीं, डॉक्टर्स के बारे में भी पता नहीं किए, तो नंबर पड़ी है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे और अस्पताल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति। हालांकि ये मेन गेट में यहाँ से भी हम अंदर इंटर कर चुके हैं और लोग जो हैं बिना मास्क के यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे मास्क वितरण नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे समय हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ समय सारणी भी दिया हुआ है। 8 से 2 के आसपास जो है सुबह के समय में जो है तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पे दिन के हिसाब से दिया हुआ है। और आज का जो दिन है उसमें भी डॉक्टर्स के जो है नाम दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अस्पताल में व्यवस्था कैसी है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि जो कमरे, चलिए डॉक्टर्स के कमरों को भी देख लेते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पे हैं कि नहीं है। इलाज कराने हैं, डॉक्टर्स मिल लिए हैं? हाँ सर, मिल लिए हैं। क्या बोले? जाँच लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ मास्क कुछ मिल रहा है आप लोग को? जी हाँ सर, मिलता है। ना तो कहाँ पहना है? जी हम आए कमलपुरा से सर। अच्छा, इस तरह का चीज़ मिला है आपको जो पहने हुए हैं? नहीं सर, नहीं मिला है। नहीं। अच्छा, इस तरह की चीज़ यहाँ नहीं मिल रही। तो गर्दनी बाग अस्पताल है और यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मरीज जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। आपने मास्क लगा रखा है? चलिए, लेकिन कई लोग मास्क नहीं लगाए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? हाँ, डॉक्टर को दिखाने आए। तो दिखा लिए? नहीं, अभी डॉक्टर का वेट हो रहा है। अच्छा जी हाँ। तो क्या परेशानी हो रही है? थोड़ा स्किन प्रॉब्लम है ये। तो अस्पताल में आप लोग जा रहे हैं, चलिए आप तो मास्क पहने, कहीं मास्क उसको बट रहा है अस्पताल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पहले से लेके आए हुए हैं। पहुंचे हैं राजवंशी नगर के सरकारी अस्पताल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो यहाँ पे है, जगह जगह बिल्डिंगों में पोस्टर्स लगाए गए हैं और लोगों को जो है इससे जानकारी दी जा रही है। एक तरफ देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो उपाय दिए गए हैं। दूसरी तरफ इस तरफ भी जो है जगह जगह पर जो है ये पोस्टर्स लगाए गए हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। तो अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो सुबह के 9:30 बजे के आसपास का ये समय है और अभी जो है यहाँ पर फिलहाल डॉक्टर्स हैं कि नहीं है ये हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं। मास्क वितरण और सैनिटाइजर की बात की जा रही थी। यहाँ अस्पताल में आप पहुँचे हैं तो आप लोग यहाँ तो दिख रहा है पोस्टर लगा हुआ, लेकिन क्या मास्क ये सब मिल रहा है सैनिटाइजर? ना, मास्क तो अभी नहीं दिखाई पड़ा है, कहीं भी मास्क नहीं दिखाई पड़ा है। अच्छा, बांटते हुए कहीं नहीं। तो मांगे थे आप?
ना हम तो क्या तो मतलब यहाँ क्या मतलब कहीं पे कोई काउंटर उस तरीके का इस तरह कुछ दिखा? कोई काउंटर तो नहीं दिखाई पड़ा है अभी अभी पूरे डॉक्टर से नहीं आए हैं डॉक्टर्स नहीं आए पूरे डॉक्टर्स कहाँ आए हैं आप दिखाने आए थे यहाँ पे दिखाने आए हैं अभी वेटिंग में है मीटिंग में है वेटिंग में तो चलिए इनसे तो बात किए इनके हिसाब से तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम आपको कोशिश करते हैं ये बताने की दिखाने की कि कैसा माहौल है यहाँ पर और भीड़ कितनी है तो निपटने के लिए भीड़ कितनी है माहौल कितने आप भी रुमाल लगाए हुए हैं यहाँ पे मास्क वास्क नहीं मिला है क्या रुमाल से ही काम चल रहा है जस्ट अभी मैं आया हूँ नहीं नहीं इस तरह का मास्क मिला है कि नहीं आपको कहीं पर नहीं अभी तक तो नहीं मिला तो कोरोना का खतरा से तो वाकिफ है ना आप जी जी लेंगे बाहर जाके बाहर जाके खरीदेगा जी लेकिन मुफ्त में देने की बात कही जा रही है अस्पताल में भी शायद मिल रहा होगा देख लीजिए कोशिश करते हैं देखते हैं अगर मिल रहा होगा तो ले लेंगे चलिए तो आप भी कोशिश कर लीजिए हम भी कोशिश कर रहे हैं जाके देखने की कि यहाँ पे मास्क मिल रहे हैं सैनिटाइजर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं तो जो भी लोग निकल रहे हैं किन्हीं के चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है आप रुमाल से ही काम चला रही हैं क्या मास्क उसके अंदर मिल तो क्या करेंगे नहीं मिल रहा दुकान में कहीं भी बंद है ऑनलाइन से भी बंद है खत्म है अस्पतालों में तो अभी हम तुरंत आए हैं मांगते हैं देखते हैं पैसा अच्छा यहाँ कोशिश की हमको तो पता नहीं है फ्री में कहीं कोई जानकारी नहीं दी जा रही यहाँ पे अभी तो हम आए जस्ट दिखाने के लिए तो बोले डॉक्टर का भी टाइम सही बता ही नहीं रहा है बोले कि जाइए खड़ा रहिए नाम पुकार आएंगे तब डॉक्टर देखे अच्छा डॉक्टर नहीं है अभी अभी डॉक्टर नहीं आए किस चीज़ का दिखाने के लिए आए थे क्या चीज़ का दर्द यहाँ हो रहा है अच्छा डॉक्टर नहीं है टाइम के हिसाब से परेशानी हो रही है परेशानी वेट करना है उनका और क्या है देखिए कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश अलर्ट पे है लेकिन फिलहाल मैडम जो कह रही है डॉक्टर नहीं है और इन्हें फिलहाल मास्क भी नहीं है ना सैनिटाइजर और मिल भी नहीं रहा है तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कैसे जो है चलिए आपको अंदर मास्क मिल गया या खुद का खरीदे हैं नहीं है मेरा ही है अच्छा चलिए तो चलिए आप ही के साथ देखते हैं मास्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अंदर में या किसी तरह का सैनिटाइजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है अस्पताल में यहाँ पर और लोग जो है पहुँच रहे हैं अलग अलग शिकायतें भी हैं लेकिन बोर्ड जरूर लगा हुआ है कोरोना वायरस से निपटने के लिए लेकिन कोरोना को लेकर अस्पताल कितने तैयार हैं और बिल्कुल देखिए भीड़ भाड़ से लोगों को बचने के लिए कहा जाता है लेकिन यहाँ पे किन्हीं के पास भी आपको मास्क नज़र नहीं आएंगे न चेहरे पे मास्क नज़र आ रहे हैं ना ही उस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है और लगातार जो है लोगों से अपील भी कर रहे हैं लेकिन इनकी अपील का असर अस्पतालों में कितना हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर्स हैं उनके पास तो मास्क हैं लेकिन आम लोगों के पास जो है यहाँ पे मास्क देख रहे हैं देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है अस्पतालों में और इस भीड़ के बीच में जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टरों के लिए और हालांकि यहाँ पे गार्ड के पास भी मास्क है लेकिन आम लोगों के पास यहाँ पे कहीं कोई सुविधा नहीं दिख रही कहीं पर आपको कोई काउंटर नहीं भीड़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा है कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं लेकिन कई लोगों के मुताबिक बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं भी आए हुए तो हम खुद ही आपको दिखा रहे हैं कहीं पर आपको कहीं काउंटर्स नज़र आ रहे हो नहीं है हेल्प डेस्क एक सहायता केंद्र यहाँ पे है चलिए यहाँ पे पूछते हैं कि सहायता केंद्र में कोरोना से निपटने के लिए किस तरह के सहायता केंद्र में यहाँ क्या व्यवस्था की गई है लोग जो है चेहरों पर रुमाल डाल के हैं चलिए यहाँ पर भी जो है जो सहायता केंद्र में लोग हैं वो मास्क लगाए हुए हैं लोगों को डांटने का भी काम यहाँ पे कर रहे थे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से और कोशिश करते हैं जानने का देखिए लोगों को समझाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है चलो अब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं हालांकि व्यस्त हैं बहुत लेकिन इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवस्था क्या है सर यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ व्यवस्था की गई है क्या कुछ लोग आएंगे ऐसा कुछ नहीं सर अभी तो हम लोगों का ऐसा कुछ सूचना नहीं है अच्छा अब तो सर आएंगे सर आते हैं तब उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली हालांकि कुछ ऐसा व्यवस्था हो रहा है मगर देखिए क्या करते हैं सर अब डॉक्टर साहब आए नहीं है अच्छा आपको तो मास्क मिल गया है यहाँ पर हाँ मास्क हम लोग को मिला हुआ सर तो मास्क दे दिया गया सर मास्क मिला हुआ हम लोगों के लिए आम लोगों के लिए यहाँ पर नहीं जितना स्टाफ लोग है उस लोग के लिए मास्क मिला हुआ है और मास्क आया हुआ है जो वितरण हो रही है धीरे धीरे तमाम डॉक्टर्स तो मौजूद है ना जी सर हाँ डॉक्टर मौजूद है लोग टाइमिंग क्या रहता है यहाँ पे टाइमिंग है ऐसे 8:30 से 12:30 मगर बैठते हैं लोग 9:30 तक आते हैं बैठते हैं 1:30-2:00 बज जाता है लेट भी हो जाता है 12:30 तक पर्ची करता है पर्ची 1:30-2:00 तक जो पर्ची करके 12:30 उसे 1:30-2:00 बजे देखना है आ रहे हैं तुरंत इमरजेंसी हाजिरी बना रहे हैं झूठ मत आप बोलिए आप कह रहे हैं 9:30 तक बैठ रहे हैं 9:30 तक कहाँ बैठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं
कहिए कि अभी नहीं आए, कह रहे टाइम पे बैठते नहीं है, यहाँ पहले भी हम आए हमको देखिए सुनिए हमको बीके सिंह से दिखाना है भैया, बीके सिंह से दिखाना है, बीके सिंह सर नहीं है। देखिए देखिए लोग यहाँ पे परेशान है, समय जैसा है उस हिसाब से हम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे, जो काउंटर पे सहायता केंद्र वो भी बता रहे थे। हालांकि व्यवस्था की बात की जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है ये हम अस्पतालों में जा रहे हैं, और खुद आप ये तय कीजिए कि जो माहौल है, जो स्थिति है, उसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिहार सरकार फिलहाल कितनी तैयार है। चलिए आगे और अस्पतालों में चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस महामारी से निपटने के लिए फिलहाल सरकार कितनी तैयार है।